some yummy, tasty and healthy recipe. हेलो दोस्तों, आज मैं क्रिस्पी सुरमई फ्राई बनाने वाली हूँ। सुरमई फिश ऑल्सो नोन एज किंग फिश, सिर फिश, इट हैज़ डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। सुरमई फिश हैव लेसर बोन्स एंड वेरी इजी टू ईट। क्रिस्पी सुरमई फ्राई बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। हमने फिश को अच्छी तरह से धोकर ड्राई करके लिया हुआ है। अदरक लहसुन पेस्ट, नमक, कश्मीरी लाल तीखा, नींबू का रस, सूजी, तेल, धनिया पाउडर, चावल का आटा, गरम मसाला पाउडर, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया। अब हम बाउल में अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे। हल्दी डालेंगे, कश्मीरी लाल तीखा डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, गरम मसाला पाउडर डालेंगे, जीरा पाउडर डालेंगे, कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, नींबू का रस डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। बैटर को हम अच्छी तरह से फिश पर लगाएंगे। अगर हमारा बैटर थोड़ा ड्राई लग रहा हो तो इसमें हम एक चम्मच ऑयल या पानी डालकर पेस्ट बना लेंगे। इससे आसानी से फिश पर बैटर लग जाएगा। आप देख सकते हो हमारे फिश पर बैटर अच्छी तरह से लग गया है। अब हम इसे आधा घंटा मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। अब हम फिश को कोट करने के लिए प्लेट में रवा लेंगे, उसमें चावल का आटा मिलाएंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, कश्मीरी लाल तीखा डालेंगे। अब हम यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक लेंगे। इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को दबा लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारा फिश अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। अब हम फिश को दोनों साइड से रवे के मिक्सचर में कोटिंग करेंगे। इसी तरह से हम सभी फिश को कोट करेंगे। इसी तरह से रवे के मिक्सचर में कोट की हुई फिश हम पैक डब्बे में भरकर फ्रीजर में 2 से 3 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी हमारा मन चाहे या हमारे घर कोई गेस्ट आ गए, बनाने के पहले आधा घंटा हम फ्रीजर से निकालकर फ्राई कर सकते हैं। इसी तरह से कम वक्त में हम बहुत ही आसानी से फिश फ्राई कर सकते हैं। ये हमारा सुरमई फिश फ्राई करने के लिए रेडी हो चुका है। पैन में हमने 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है। ऑयल को अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। तेल अच्छी तरह से गरम होने के बाद हम फ्लेम को लो करेंगे। इसमें हम फिश डालेंगे।
हम फिश को 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसे फ्लिप करेंगे। आप देख सकते हो वन साइड से हमारा फिश क्रिस्पी बन चुका है। अब हम 3 से 4 मिनट दूसरे साइड को भी फ्राई कर लेंगे। हमारा फिश अच्छी तरह से क्रिस्पी बन चुका है। अब हम इसे सर्व करेंगे। ये फिश फ्राई बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनती है। आप भी घर पर जरूर बनाइएगा और इसका मजा लीजिएगा। ये बनकर तैयार हो गया अपना डिलीशियस क्रिस्पी सुरमई फिश फ्राई। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप सो आप सबको पसंद आया हो। जाने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।